भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही इस मौजूदा टेस्ट सीरीज़ के तीसरे टेस्ट में घरेलू टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम पहली पारी में केवल 78 रन ही बना पाई, जिसकी बड़ी वजह रही इंग्लैंड पेसर जेम्स एंडरसन की घातक गेंदबाजी। एंडरसन ने टीम इंडिया को शुरुआती झटके देते हुए भारत की सारी उम्मीद को ही तोड़ दिया। मेजबान टीम ने बॉलिंग तो अच्छी की ही, साथ ही बैटिंग में इंग्लैंड के ओपनर्स ने 100 रन की साझेदारी भी बनाई। तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होते इंग्लैंड ने मजबूत पकड़ बना ली। भारत के गेंदबाजों से लेकर मैदान में मौजूद खिलाड़ियों के बीच कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण भारतीय टीम पहले दिन कोई भी विकेट नहीं ले पाई। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड बल्लेबाजों का बोलबाला रहा। इंग्लैंड टेस्ट टीम में वापसी कर रहे डेविड मलान ने शानदार अर्धशतक जमाया और वहीं इस साल सुपर फॉर्म में चल रहे इंग्लैंड टेस्ट टीम के कैप्टन जो रूट ने एक और जबरदस्त शतक बनाया। इंग्लैंड दूसरे दिन साफ साफ इस टेस्ट में बहुत आगे जाता नजर आ रहा है। दिन खत्म होते होते भारतीय बॉलर समी के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हुआ। जैसे ही समी ने रोरी बंस को आउट किया, वैसे उनके नाम सेना टीम यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 100 विकेट लेने वाले वो पांचवें गेंदबाज बन गए। दूसरे दिन का खेल ख़त्म होते इंग्लैंड का स्कोर 423 पे 8 विकेट के नुकसान पर रहा, यानी मेजबान टीम ने 345 रन की मजबूत लीड बना ली है। वहीं भारत की तरफ से अभी तक मोहम्मद समी ने 3 विकेट लिए हैं और जडेजा सिराज ने 2-2 विकेट लिए हैं, बुमराह ने 1 विकेट लिया है। भारतीय पेसर ईशान शर्मा के लिए पहली इनिंग्स अच्छी नहीं रही। उन्होंने 22 ओवर डाले और ना ही कोई विकेट लिया और ना रन गति पर कोई लगाम लगाई। उन्होंने सबसे ज़्यादा 92 रन दिए। अब मैच के इस मोड़ पर भारत के लिए एक ही उम्मीद है कि भारतीय बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं और इस मैच को बचाए, वरना इंग्लैंड टीम टेस्ट सीरीज़ में 1-1 से बराबरी कर लेगी। इसी तरह के डिटेल हाइलाइट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को।